हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला के हक में मंगलवार को युवा क्रांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा। ना नौकरी ना रोजगार और युवाओं के भविष्य पर लगातार प्रहार, यही है भारतीय जनता पार्टी का साथ। आज इस युवा क्रांति सम्मेलन में जो पूरे कैथल के युवा साथी आए हैं, आज हरियाणा के युवाओं की ओर से हमने एक संकल्प लिया है, एक नए हरियाणा के निर्माण का, भारतीय जनता पार्टी के पक्षपात को सदा सदा के लिए खत्म करने का। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 29% हरियाणा में दुनिया में सबसे अधिक बेरोजगारी फैलाई है, उसको खत्म करने का एक सकारात्मक एजेंडा के निर्माण का। भारतीय जनता पार्टी में नौकरियां मंडी के अंदर बोली लगकर बिक रही हैं। 15-15 लाख युवा 4,000 नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरता है। 7 युवाओं की जिंदगी चली गई, किसी की ट्रेन के ऊपर लटक कर और किसी की मोटरसाइकिल और कार के अंदर जाते हुए, किसी की बस के अंदर ऊपर लटक कर। खट्टर साहब, आपकी सरकार, भाजपा सरकार के हाथ युवाओं से विश्वासघात और उनके खून से सने हैं। इसी प्रकार से 12 युवाओं ने कुरुक्षेत्र में पुलिस भर्ती में भी अपनी जान से हाथ धोया था और आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। हरियाणा का युवा मंदी और तालाबंदी से, बेरोजगारी से दर दर ठोकरें खा रहा है। खट्टर सरकार मंदी और तालाबंदी में माहिर है, युवाओं की नौकरी बेचने में माहिर है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या पब्लिक सर्विस कमीशन, आए दिन पेपर लीक होते हैं और बेचे जाते हैं। तहसीलदार का पेपर लीक हुआ, नायब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ, एक्साइज इंस्पेक्टर और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, क्लर्क और पीएन का पेपर लीक हुआ, यहाँ तक के जज का पेपर भी सरकार में लीक हो गया, और बीए और एमए का पेपर लीक हुआ, और अब तो 10वीं और 12वीं के पेपर भी लीक होने शुरू हो गए। युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात करना और ग्रहण लगाना अब भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका बन गया है। पर युवाओं ने आज संकल्प लिया है इस सरकार का तख्ता पलट करने का, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का, और हम सब तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक युवाओं के चेहरे पर मुस्कान और उनकी प्रगति सुनिश्चित नहीं कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं कि 15 लाख युवकों ने और युवतियों ने हरियाणा में क्लर्क के लिए दरखास्त दी है, तो वो 14 लाख कौन है? वो 14 लाख किसके बच्चे हैं? क्या मुख्यमंत्री हरियाणा के युवाओं को हरियाणा का युवा और युवती मानने से भी इनकार करते हैं? इससे दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय कुछ हो ही नहीं सकता। हरियाणा में क्लर्क की भर्ती के पेपर को कठिन बताते हुए रणदीप सुरजेवाला ने चैलेंज दिया कि हरियाणा सरकार का कोई मंत्री भी इस पेपर को हल करके नहीं दिखा सकता। आया है, मुझे छात्र छात्राओं ने बताया कि वो शायद इसरो के साइंटिस्ट बनाने का पेपर है, हरियाणा में क्लर्क भर्ती का नहीं। उसके ज्ञान और विज्ञान को बड़े बड़े प्रोफेसर भी हल नहीं कर पाए। हरियाणा का साधारण छात्र जो सिर्फ क्लर्क लगना चाहता है और जिसकी योग्यता 12वीं या बीए है, वो कैसे कर पाएगा? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछता हूँ विनम्रता से हाथ जोड़कर कि क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो बैठ जाएं इसी क्लर्क के पेपर में और पत्रकार साथी इम्तिहान में इनविजिलेटर बन जाएं, देखेंगे खट्टर साहब पास हो सकते हैं क्या। ना खट्टर साहब पास होंगे, ना उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य। जब मुख्यमंत्री और मंत्री पास नहीं हो सकते, तो आप बच्चों से इतने कठिन प्रश्न और पेपर इसरो के साइंटिस्ट बनाने वाले क्लर्क की पद के लिए क्यों ले रहे हैं? मामला साफ है, जैसा अम्बाड़ा में कल खबरें आई, फर्जीवाड़ा होगा, धांधली होगी और चहेतों को लगाया जाए। भाजपा के 75 पार के नारे पर तंज कसते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा दैनिक जरूरत की हर एक वस्तु को 75 के पार ले जाना चाहती है। 75 पार के मामले में एक बात तो सही है, रुपया डॉलर के मुकाबले 75 पार हो गया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 75 पार हो गई हैं, प्याज की कीमतें 75 पार हो गई हैं, दाल की कीमतें 75 पार हो गई हैं, और इसलिए शायद इनका मतलब ये था कि ये देश की खान पान की आम जरूरियात की सब वस्तुओं को 75 पार करेंगे, और ऐसा ही ये लोग कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।
कैथल विधानसभा के नतीजों के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।